अब खबरों की शुरुआत करते हैं नीमच पुलिस की कार्रवाई से। नीमच सिटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएल मैचों पर सट्टा लगा रहे एक गिरोह को पकड़ा। गिरोह के 4 सदस्य तो भाग निकले लेकिन एक सदस्य पकड़ में आ गया। एलईडी मोबाइल सहित करीब 10 लाख रुपए की सट्टा पर्ची बरामद की गई है। नीमच सिटी पुलिस ने एसपी तुषारकांत विद्यार्थी के मार्गदर्शन और सीएसपी नरेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हुए उपनगर नीमच सिटी में आईपीएल क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जबकि मौके से अन्य 4 व्यक्ति फरार हो गए। मौके से 10 लाख की सट्टा पर्ची सहित 6 मोबाइल, 1 एलईडी और अन्य उपकरण जब्त किए। नीमच सिटी पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई पर सीएसपी नरेंद्र सिंह सोलंकी ने प्रेस वार्ता कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। गुरुवार रात को मुखबिर की सूचना पर नीमच सिटी थाने के उप निरीक्षक सुमित मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस दल ने नीमच सिटी पिपली चौक स्थित डीपी सिंह के मकान पर छापेमार कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान जैसे ही पुलिस डीपी सिंह के मकान की दूसरी मंजिल पर दबिश दी तो 5 लोग सट्टा लगाते हुए दिखे। पुलिस को देख 4 व्यक्ति छत से कूदकर फरार हो गए, जबकि एक व्यक्ति पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पकड़े गए युवक ने अपना नाम दीपक पिता मुरारी लाल शर्मा निवासी चूड़ी गली बताया और भागे गए व्यक्तियों के नाम शोभित उर्फ सिक्की पिता राजेश अजमेरा निवासी भोला राम कंपाउंड, आदर्श पिता बालकिशन महेश्वरी निवासी विकास नगर, डीपी सिंह निवासी सरदार मोहल्ला और वीपी सिंह निवासी सरदार मोहल्ला बताया। पुलिस ने डीपी सिंह, वीपी सिंह सहित फरार हुए 4 आरोपियों के खिलाफ सट्टा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया। पिपली चौक जो क्षेत्र है वहाँ पर एक मकान पे आईपीएल का सट्टा चल रहा है, जिसपे विश्व क्योंकि डीपी सिंह का घर था वहाँ पे दबिश दी गई और वहाँ से आईपीएल का सट्टा करते हुए कुल 5 लोग थे, जिसमें से 4 लोग फरार होने में सफल रहे। एक व्यक्ति को वहाँ पे ऑन स्पॉट पकड़ा, जहाँ से एलईडी और मोबाइल सट्टा पर्चियाँ ये सब जब्त की गई। इसमें कुल सट्टा पर्चियाँ की कीमत इसमें जो आकलन किया गया 10 लाख का। सीएसपी ने बताया कि नीमच सिटी के पिपली चौक पर सट्टा चलने की सूचना लंबे समय से मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। मौके से आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य 4 आरोपियों की तलाश जारी है। इस कार्रवाई में टीआई दीपक खत्री के निर्देशन में उप निरीक्षक सुमित मिश्रा, प्रधान आरक्षक शाकिर, गोपाल सोनी, योगेंद्र सिंह, प्रदीप शिंदे, प्रशांत जैन, लाखन सिंह सहित कई पुलिसकर्मियों की सराहनीय भूमिका रही।